NBN National Breaking News, सच्चाई का साथी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। और अभी मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँ कि पहले इस वीडियो को पूरी देखें, फिर आप डिसाइड करें कि यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप किसी अपने स्पेशल भगवान की प्रार्थना व पूजा करने की भी और उसकी कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं तपस्वी ज्योतिषियों से जानकारी प्राप्त करके वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। हमेशा याद रखें पूजा करने के ये 12 नियम। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए परे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। 1. शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2. तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 3. तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 4. रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 5. सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 6. दूर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 7. बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 8. प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 9. केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 10. किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 11. माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 12. घर के माँ दिन में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 13. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं, इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी, कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं 2-3 काम जरूर करें। पहला काम हमारे लिए, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दूसरा काम स्वयं के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाए, ये बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण जानकारी और सरकारी व प्राइवेट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और तीसरा काम अपने दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के लिए, आप यह वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों को फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेज के द्वारा वीडियो के नीचे शेयरिंग के बटन से शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है वह भी आपको कामयाब व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना करते हो और एक सच्चे हिंदू हो। यही मतलब है कि वह खुद के लिए तो काम करें लेकिन दूसरों के भी काम आए। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपना चैनल NBN सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाई गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा, पर घंटी जरूर दबाइए। और दिखाई गई अन्य ये 3 वीडियो में कोई भी देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी और आपके काम की है। प्लीज क्लिक और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।